हेलो। नेक्स्ट कार्य पत्रक देखिए, अपना 33 नंबर है, कक्षा 6-7 पर हुआ गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो, 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना, आप भाग सीखेंगे इसके अंतर्गत। देखो, पहला भाग दीजिए, अब यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 36 में भाग देना है अपने को 3 से। तो पहला अंक देखो, इसमें 2 अंकों की संख्या है, 3 3 के बराबर है, तो इसमें भाग चला जाएगा, तो 1 बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा, अभी 3 आएगा, 3 में से 3 गए, 0 आ गया। ऊपर से हम क्या उतारेंगे, भी 6, हम एक अंक नीचे उतार सकते हैं। अब 3 का टेबल बोलेंगे, 3 2 6, या तो इसके बराबर तक जानी चाहिए या इससे कम रहनी चाहिए। 2 बार गई, कितना जाएगा, अभी 6, 6 में 6 गए 0, ये अपना भागफल कितना आ गया, अभी 12 आ गया। उसी प्रकार 10 का भाग 10 में देना है, तो 2 अंक संख्या है, तो ये भी 2 अंक की है, तो 1 बार गया, 10 एका 10, तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी 0 आ गया, तो अपना भागफल क्या आ गया, अभी 1 आ गया। उसी प्रकार देखो, भी 6 का भाग देते हैं, इसमें 5 6 से छोटा है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, एक संख्या में दोनों में जाएगा, तो क्या हुआ, अभी 6 8 48, 9 6 54, तो 54 में 4 में 4 गए 0, 5 में 5 गए 0, तो 9 भागफल आ जाएगा आपका। 72 से भाग देना है अपने को, 872 को। अब देखो, भी ये 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंकों में पहले भाग दे के देखेंगे, भाग जा रहा है, क्योंकि तो ये 72 है, ये कितना है, अभी 87 है, 87 बड़ा है, तो 1 बार गया, कितना है, अभी यहाँ पर 72 आया। 7 में से 2 जाने में कितने बचे, अभी 5, और 8 में से 7 गए 1 बचा, ऊपर से हम 1 अंक उतारेंगे 2। अब 72 का ही टेबल बोलेंगे, तो कितनी बार जाएगा, अभी 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, अभी 2 बार, कितना जाएगा, अभी 72 2 कितना दे, अभी 144, कितना दे, अभी 144। तो यहाँ पर 2 में से 4 जाते नहीं है, 2 में से 4 जाते नहीं, इधर से यहाँ से ली, यहाँ होगी 12, 12 में 4 गए 8, 4 में, यहाँ पर 4 बचे, 4 में 4 0, 1 में से 1 0, 8 क्या बच गया, अभी शेष फल बच गया, 12 क्या गया, अभी भागफल आ गया। इस प्रकार आपको इनको हल करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। यहाँ पर आपको इंग्लिश की और हिंदी की वर्कबुक का भी हल उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 15 से भाग देना है, ये 2 अंक की संख्या है, पहले 2 अंक देखो, भी 2 अंक में जा नहीं रहा, क्योंकि 12 15 से छोटा है, तो हम 3ों में देंगे, तो 15 8 कितना होता है, अभी 120 होता है, कितना होता है, अभी 120। यहाँ देखो, अभी 5 में 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0, कितना गया, अभी 5 शेष फल आ गया, भागफल आ गया 8। इसी प्रकार 30 से भाग देना है, 2 अंकों की संख्या है, यहाँ 2 अंक चुनने पड़ेंगे अपने को, बराबर है, 1 बार जाएगा, 30 0 0, ऊपर से 0 उतारेंगे, 0 भाग जाता नहीं, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 10 आपका। इस प्रकार आपको अलग करना है। अगला देखो, भी 2 नंबर प्रश्न है, 303 को भाग देना है 3 से। तो ऐसे इस प्रकार के भाग हैं, डिवाइड है, आप रफ में जरूर करें। जैसे यहाँ पर देखो, भी 303 लिखेंगे और भाग देंगे 3 से, 1 बार गया, 3 आया, अब क्या, अभी 3 में से 0 गए 0, अब नीचे 0 उतार लिया, अब भाग जा नहीं रहा, ये 0 ऊपर चला जाएगा। भाग नहीं जा रहा हो, या दूसरा 1 अंक उतारने के बाद दूसरा अंक हम उतारना पड़े नीचे, तो 1 0 ऊपर जाएगा, नीचे 3 आ गया, फिर भाग जाएगा 1 से 3 आ गया, तो 101 उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अभी भागफल आ जाएगा 101, और शेष फल कितना है, अभी 0। उसी प्रकार 837 में 9 का भाग देंगे, 837 में 9 का डिवाइड करेंगे, तो 9 नीम 81 होते हैं ना, 3 में से 1 गया 2 7 9 27, नीचे 0 आ गया, तो 93, तो भागफल आ जाएगा, शेष फल कितना आ जाएगा, अभी 0। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, भी 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, 50 कॉपी है, 10 बच्चों में बराबर, अगर कोई चीज को बराबर बराबर बांटने की बात हो तो आप हमेशा भाग देना, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेंगी, कितनी कॉपियां, अभी 50 कॉपियां हैं, और कितने बच्चों में बांटनी है, भी 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो 50 को 10 से भाग दे देंगे, 10 5 50, तो 5 5 कॉपियां आ जाएंगी। प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेंगी, भी 5 5 कॉपियां।
ये विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं भी? 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को चार बराबर बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी आएंगे? टोटल विद्यार्थी 240 हैं। और कितने समूह बनाने भी? चार समूह, चार चार के समूह बनाने तो चार से भाग दे देंगे। भाग दोगे तो 240 में चार का भाग देना है, तो पहले एक अंक की संख्या है तो एक अंक में भाग जाता नहीं है, दो में दिया जाएगा। फिर जो दो छोटा है तो कितना जाएगा अभी? 4 6 24, फिर कितना है? शून्य बच गया। ऊपर से क्या उतारेंगे? शून्य भाग जाता नहीं, शून्य आगे चला जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका अभी? 60। नेक्स्ट देखिए, रोहन के पास 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों के में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? अब कितने भी टोटल कितने कंचे हैं अभी? 560 कंचे हैं, और बराबर बराबर बांटना है, कितने दोस्तों को बांटना है अभी? 10 दोस्तों को बांटना है, तो 560 को 10 से भाग दे देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गई, कितने बच गए अभी? 56। एक शून्य से एक शून्य कट गई, कितने बच गए अभी? 56 बच गए, 56 ही आपका उत्तर आ जाएगा। 56 कंचे प्रत्येक दोस्त को मिलेंगे। ऐसी बातें भी आगे लिख सकते हो आप, ताकि समझने में आसानी रहे। अगला प्रश्न देखो, अभी 5 टोकरियों में 250 केले हैं, तो बताइए एक टोकरी में कितने केले हैं? 5। इस प्रकार लिख के जरूर देना आप, टोकरियों में केले हैं 250, तो एक टोकरी में कितने आएंगे भी? तो 250 बटा में 5। अब भाग देंगे कितना जाएगा अभी? 5 5 25, 0 0 आ जाएगा, 50 केले होंगे। कितने होंगे अभी? 50 केले प्रत्येक टोकरी में होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।